नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूँ सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिषन वास्तु में। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आज हम बात करने वाले हैं कि कोरोना अब आगे किस तरह से बढ़ेगा, क्या है कोरोना का भविष्य अब 2021 में आने वाले समय में, इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं आज की डेट से लेके 21 अप्रैल से पहले पहले तक की डेट के बारे में। 21 अप्रैल के ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा जल्द ही, वो आपको पता चल जाएगा कि उस डेट में ऐसी क्या खास बात है और अप्रैल के महीने में और क्या बहुत अच्छा होने वाला है उसके बारे में भी एक वीडियो मैं जल्द ही बनाने वाला हूँ। यहाँ पर पिछले कुछ दिनों में आपने मेरी कैलकुलेशंस देखी होगी, आपने मेरी वीडियोज़ को बहुत ज़्यादा ध्यान से देखा होगा एंड आपने डेट्स भी नोट डाउन कर रखी होंगी जो जो मैंने बता रखी थी। उसमें मैंने आपको गैस सिलेंडर के फटने के बारे में, पानी से रिलेटेड इश्यूज़ के बारे में, आग से रिलेटेड इश्यूज़ के बारे में, वेदर परिवर्तन, वेदर चेंजेस के बारे में भी मैंने बहुत बार बोल बोल के कहा था कि ऐसी घटनाएं यहाँ पर हमें देखने को मिल सकती हैं जहाँ पर वेदर एकदम से परिवर्तित हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर मार्च का एंड चल रहा है और आधे इंडिया में कहीं ना कहीं मौसम परिवर्तित हो रहा है। बारिश जैसी कल राजस्थान में, कल मेरे यहाँ पर भी बारिश आई थी, पूरा मतलब इतना अच्छा माहौल हो गया था, बादल हो गए थे, इतनी गर्मी में एकदम से ठंडक जैसा अनुभव यहाँ पर होने लग गया था। सो दैट इज सडन वेदर चेंजेस यहाँ पर होने के पूरे पूरे योग यहाँ पर बन रहे हैं। और इसके अलावा मैंने एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रेडिक्शन किया था, आप सभी ने मेरे लाइव सेशन में भी सुना होगा, मेरे नेक्स्ट वीडियो में भी सुना होगा कि एक नई वैक्सीन या एक नई मेडिसिन यहाँ पर कोरोना के लिए आते हुए हमें नजर आने वाली है, बहुत जल्द ऐसा होने वाला है। 15th of May के बीच में ऐसी कैलकुलेशन ज्यादा स्ट्रांग बनती है, ये मैंने कहा था। एंड दो दिन बाद ही मेरे पास मैसेज आया कि सर देखिए, एक कैप्सूल निकला है यहाँ पर कोरोना का और जैसा आपने कहा था एक नया वैक्सीन या मेडिसिन आएगा, वैसा ये कैप्सूल यहाँ पर मार्केट में आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये एक तरह की कैलकुलेशन है जो दिखाती है दोस्तों कि एस्ट्रोलॉजी में अभी भी पावर है। देयर इज अ लॉट ऑफ पावर इन द एस्ट्रोलॉजी, वैदिक ज्योतिष में आज भी बहुत बड़ी पावर है और वैदिक ज्योतिष आज भी नेचर को कैलकुलेट करने में मदद करता है। वैदिक ज्योतिष आज भी नेचर्स के साथ साइक्लोन के प्रेडिक्शंस, भूकंप के प्रेडिक्शंस, आपकी अर्थ जो भी दूसरी परेशानियां आती है नेचर से रिलेटेड, उनके प्रेडिक्शंस, जन आंदोलन हो गया, कोई छोटी इलेक्शन हो गई, किसी भी तरह से, हर एक तरह से आपकी पर्सनल लाइफ से लेके प्रोफेशनल लाइफ और पूरे वर्ल्ड को लेके एक हम कैलकुलेशंस कर सकते हैं। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में इतनी ज़्यादा पावर यहाँ पर दिखाई देती है एंड मुझे खुशी है कि वो बहुत सारे ऐसे लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस जिन्हें एस्ट्रोलॉजी में विश्वास भी नहीं था, जो एस्ट्रोलॉजी पर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करते थे या मानते ही नहीं थे, वो भी इन वीडियोस को देखने के बाद एस्ट्रोलॉजी की पावर को समझ रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी के पावर को जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक बहुत अच्छा मूवमेंट होता है, एक बहुत अच्छा एक अचीवमेंट होता है जब आपको कॉल आता है कि वी आर नॉट बिलीविंग द एस्ट्रोलॉजी बट बिकॉज ऑफ योर वीडियोज वी हैव सम फेथ इन द एस्ट्रोलॉजी। सो ये जब आपको स्टेटमेंट सुनने को मिलता है तो वो अपने आप में दिखाता है कि एस्ट्रोलॉजी में कितनी ज़्यादा पावर है, एस्ट्रोलॉजी किस तरह से एक निर्जीव में जान डालने की ताकत रखती है। तो यहाँ पर वही चीज़ मैं भी अपने वीडियोस में करता हूँ। दुनिया भर में नेगेटिविटी है और दुनिया भर में प्लैनेट्स खराब हैं, बहुत बुरे हैं, बहुत बुरा वातावरण है, बहुत बुरा नेचर है, बट फिर भी ग्रह हमेशा होप देते हैं। देयर इज ऑलवेज होप इन द एस्ट्रोलॉजी। And what is my task as an astrologer? My task is to grab that hope and provide to you. उस होप को पूरी तरह से निकाल के आप तक पहुंचाना, maximum probability, that I always try to do, जो कि मैं हमेशा करने की कोशिश करता हूं। अब यहां पर हम देखते हैं कि आने वाले भविष्य में, मतलब कि ये जो आने वाले कुछ ही दिनों की बात जो मैं बता रहा हूं भी, इसमें कोरोना किस तरह से बिहेव करेगा, किस तरह से यहां पर टर्न होगा। बहुत जल्द दोस्तों एक और देखिएगा कि कोरोना वापस म्यूटेट होता हुआ नजर आएगा, कोरोना का एक और नया स्ट्रोम हमें देखने को मिलने लग सकता है। जी हाँ, अब कोरोना का यहाँ पे तीसरा स्ट्रोम हमें देखने को मिलेगा, ऐसे चांसेस यहाँ पर बिल्कुल बनेंगे, ऐसी कैलकुलेशंस कहीं ना कहीं आने वाले दिनों के बीच में दिखाई देती है। हम बात कर रहे हैं यहाँ से लेके 20th of April तक, इसमें भी टाइम को और ज़्यादा क्लोज लेके आते हैं, एक महीना मान के चलते 20 मार्च से 20 अप्रैल, इसमें भी और क्लोजेस्ट कंजेक्शन पे लेके चले तो यहाँ पर देखिएगा कि 25 मार्च से लेके 5 अप्रैल तक का समय जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्लोज कंजेक्शन के साथ चलता है। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम देखें दोस्तों तो ये जो क्लोजेस्ट कंजेक्शन बनता है ये दिखाता है कि यहाँ पर इसका समय किस तरह से जाएगा, क्योंकि यही 10 दिन 25
मार्च से लेके 25th of March से लेके 5th of April तक के बीच का जो समय रहेगा ये पूरा 2021 का साल डिसाइड करेगा। मतलब कि ये 10 दिन आपके भविष्य के आने वाले 8 महीनों को निर्धारित करेंगे। अब ये बहुत बड़ी बात मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर कि 10 दिनों में ऐसा क्या है कि वो 8 महीने बता सकते हैं, ये आपको ये 10 दिन ही बताएंगे कि आने वाले 8 महीने कैसे जाने वाले हैं। अब इसके बारे में मैं ब्रीफ एनालिसिस जो है वो आने वाले दिनों में करूंगा और आपको बताऊंगा कि ये 8 दिन कैसे गए, 10 दिन कैसे गए और आने वाले 8 महीने कैसे जाने वाले हैं। बट हकीकत जो है वो यही है दोस्तों कि ये 10 दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिन यहाँ पर जाने वाले हैं। तो कोरोना का जो प्रकोप रहेगा, जो मेरा कैलकुलेशन कहता है अभी भी कि कोरोना का जो प्रकोप है ये इन 10 दिनों में बढ़ता हुआ नज़र नहीं आएगा। इन 10 दिनों में कोरोना का प्रकोप कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाउनफॉल लेके ज़रूर चलेगा। केसेस चाहे जितने मर्जी बढ़ जाएं, डजंट मैटर। मैं अभी भी यही कहूँगा आपको कि केसेस की नंबर्स पे जाना छोड़ दीजिए, अपने दिमाग को उन सारी चीज़ों से बाहर निकाल दीजिए, बिकॉज केसेस के नंबर डरने वाली बात नहीं है, केसेस के नंबर परेशान करने वाली बात नहीं है, क्योंकि देयर इज़ नो पावर इन द कोरोना टू गिव डेथ टू एनीवन बिकॉज ऑफ द कोरोना वायरस। ट्रस्ट मी, दैट इज़ द फैक्ट एज पर द एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस। अभी जो ग्रहों की गणनाएं हैं, अभी जो ग्रहों की कैलकुलेशंस हैं, उसके आधार पर देखा जाए तो डेथ रेशियो उतना ज़्यादा हाई जाने के चांसेस अब कम बनते हैं। जितना होना था खराब वो हो चुका, जितना बिगड़ना था वो बिगड़ चुका, अब यहाँ पर उतना ज़्यादा खराब होता हुआ नहीं दिखाई देगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब जो आने वाला जो समय है इसमें दो चीज़ें विशेषकर यहाँ पर होने वाली है, टू इंपॉर्टेंट थिंग्स जो कि आने वाले 7 दिनों के अंदर आपको कहीं ना कहीं दिख सकती है, हो सकता है कल ही दिख जाए, ये वीडियो देखने के बाद से कभी भी आपको ये चीज़ें दिख सकती है, ऐसे कैलकुलेशन यहाँ पर बनती हैं। पहली चीज़, कहीं पर धमाका होने वाला है, जो मेरा कैलकुलेशन कहता है कि कहीं पर धमाका। अब देखिए धमाका मतलब कि विस्फोट, विस्फोट आपका बॉम्ब विस्फोट भी हो सकता है, आपका कार में विस्फोट भी हो सकता है, आपका ज्वालामुखी विस्फोट भी हो सकता है, और किसी भी तरह से कोई बड़ा विस्फोट होने के चांसेस यहाँ पर ज़रूर बनते हैं। मतलब कि इट्स काइंड ऑफ अ धमाका, बट मुझे फिर भी लगता है कि कहीं ना कहीं आतंकवादी घटनाओं के चांसेस ज़्यादा बनेंगे, क्योंकि आतंकवादी घटना होना भी कैलकुलेशन में था और वो अब तक भी उस लेवल पर शायद ना देखने को मिली, बट अब यहाँ पर विश्व में कहीं ना कहीं आतंकवादी घटनाएँ देखने को मिल सकती हैं और ये आतंकवादी घटनाएँ उत्तर पूर्व दिशा की तरफ देखने को ज़्यादा मिलेगी, उत्तर पूर्व दिशा की तरफ, चाहे वो इंडिया में हो चाहे वो इंडिया के बाहर कहीं पर भी, बट नॉर्थ ईस्ट के आसपास का जो चांसेस है वो थोड़ा सा आतंकवादी घटनाओं की कैलकुलेशन में आता है या किसी धमाके की कैलकुलेशन में आता है कि कोई धमाका, किसी तरह से कोई धमाका हो सकता है, धमाका जिसमें एक आग हो, एक आवाज़ हो, दैट कॉल धमाका, तो उसमें ऐसी कैलकुलेशन यहाँ पर बनती है। दूसरी चीज यहां पर क्या होगी, दूसरी चीज यहां पर होगी जन आंदोलन, जन विद्रोह। अब ये जन विद्रोह जो है वो किसी भी तरह से हो सकता है, बट मुद्दा बहुत छोटा होगा, और ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा, मैं वर्ल्ड की बात कर रहा हूं, यहां पे ध्यान रखिएगा दोस्तों, मैं सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा, तो इसीलिए किसी भी कंट्री में हो सकता है, बट एक छोटा सा मुद्दा एक बड़ा इश्यू बन के निकलेगा, ऐसे चांसेस यहां पर बनते हैं। कौन सी कंट्री ज्यादा हो सकती है, तो फ्रांस, जर्मनी, यूरोपियन कंट्री में भी कोई एक आधा देश और हो सकता है, इसके अलावा ईरान, इराक, सीरिया और अमेरिका, अमेरिका में स्पेशली कैलिफोर्निया के आसपास का जो जगह है वहाँ पर कुछ चीज़ें होते हुए दिखाई दे सकती हैं, ऐसे चांसेस यहाँ पर बनते हैं। हालांकि अभी अमेरिका में बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं हुई है, बट एक वो कहते हैं कि किसी बड़े तूफान से पहले की शांति है, उस तरह की शांति अमेरिका में अभी दिखाई दे रही है, तो अमेरिका में भी कुछ बड़ा होता हुआ हमें जल्दी दिखेगा, ऐसे चांसेस यहाँ पर बनते हैं। और तख्ता पलट, जैसे मैंने पहले भी कहा था, तख्ता पलट होता हुआ दिखेगा, तो तख्ता पलट होता हुआ कहीं ना कहीं से शुरुआत हो सकती है और किसी देश में कोई बड़ी परेशानियां हो सकती है। ऑलरेडी म्यांमार में हमने देख लिया है ये चीज़, बट कहीं ना कहीं और बड़ा लेवल पे कुछ होता हुआ दिख सकता है, ऐसे चांसेस बन सकते हैं। स्कैम निकल के आने वाले हैं, जी हाँ, बड़े बड़े स्कैम अब खुलने वाले हैं, दरवाज़ा पिटारा खुलने वाला है, और ये सिर्फ भारत में नहीं, भारत के बाहर भी हो सकता है कि किसी बड़े व्यक्ति को किसी स्कैम में फंसाया जाए या किसी बड़े व्यक्ति का किसी स्कैम में फंसने का चांसेस यहाँ पर दिखाया जाए। तो इसीलिए ये जो आने वाले समय की जो घटनाएं हैं ये दिखाती है कि कोरोना वायरस की इतनी ज़्यादा पॉपुलरिटी नहीं रहेगी या कोरोना वायरस का इतना ज़्यादा प्रकोप नहीं रहेगा जितना कि इन दूसरी खबरों के माध्यम से बाजार इतना गर्म रहेगा, ऐसे चांसेस यहाँ पर क्लियरली दोस्तों दिखाई देते हैं। तो आने वाला समय जो है वो कोरोना वायरस को डिक्रीज ट्रेंड पर लेके जाने वाला है, बहुत जल्द कोरोना वायरस डिक्रीज होगा और
कोरोना वायरस में राहु और केतु की एक बहुत इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन में कर रहा हूँ, जो कि मैं आप सभी तक पहुँचाऊंगा। बहुत जल्द मैं कोरोना वायरस के ऊपर एक एक्सक्लूसिव वीडियो लेके आऊँगा, यहाँ पर एक एक्सक्लूसिव कैलकुलेशन लेके आऊँगा, जो कि आपको बताएंगी कि अब 2021 में कोरोना वायरस हमें और कितना और किस किस महीने में परेशान कर सकता है। जी हाँ, ये मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। बट हालांकि जो हमारी डेट है 21 अप्रैल 2021, इसके बारे में मैं आपको एक बहुत अच्छी जानकारी देने वाला हूँ। बहुत अच्छी, बहुत बहुत ही ज़्यादा पावरफुल जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। बहुत जल्द आपको ये वीडियो मिलने वाला है, उसमें आपको पता चलेगा कि आखिर किस तरह से परिवर्तन, जो युग परिवर्तन का दौर है, वो अब यहाँ से एक रफ्तार पकड़ना शुरू करेगा, एक नई दिशा पकड़ना शुरू करेगा। और जब युग परिवर्तन होता है तो काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल होती है, वो हो चुकी। अब स्टेबिलिटी का टाइम आ रहा है, चीज़ों का एक लेवल पर बैलेंस होने का टाइम आ रहा है। देखिए, आप सभी ने वो स्टोरी सुनी होगी, भगवान श्री कृष्ण ने पहाड़ उठाया था अपनी एक उंगली पर। तो भगवान श्री कृष्ण ने जब पहाड़ उठाया था, तो उस पहाड़ को जब वो उठा रहे थे, तो हर पूरा जो वो जगह था, उस पूरे जगह का जो माहौल था, वो काफ़ी ज़्यादा भूकंपमय हो गया था। जी हाँ, खलबली सी मच गई थी, एक तरह से तबाही का माहौल हो गया था। उसके बाद जब उन्होंने पहाड़ को अपनी उंगली पर बैलेंस करा, तो वो काफ़ी देर तक उसको स्टेबल करने में उसको समय लगा। और जब वो एक बार स्टेबल हो गया, तो उन्होंने उस जगह के सारे लोगों की जान बचाई। तो हमने तो सिर्फ यही पढ़ा है कि भगवान श्री कृष्ण ने एक उंगली पर पहाड़ उठाया और सारे लोगों की जान बचाई, बट इसके पीछे के प्रोसेस को हमने नहीं समझा था। और यही एक तरह से युग परिवर्तन का भी प्रोसेस है दोस्तों, जिसे हमें यहाँ पर समझना होगा, जिसे हमें यहाँ पर एक डीप कैलकुलेशन के साथ देखना होगा। तो जो राहु और केतु प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, अब प्रॉब्लम बदलने वाली है। अब राहु और केतु का एक्सिस बदलने वाला है, अब समय बदलने वाला है, और एक लेवल यहाँ पर चेंज होने वाला। अब लेवल कैसे चेंज होने वाला है, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिल जाएगा। बहुत अच्छा और बहुत ही ज़्यादा शानदार वीडियो बनेगा, देखिएगा, और वो आपके लिए सारी की सारी प्रॉब्लम, सारी सारी परेशानियों को दूर करने में भी आपकी मदद करेगा। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आज का आपको अच्छा लगा है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पर ज़रूर से क्लिक कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आप उनसे कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, अपने बारे में किसी भी तरह से कोई समस्या है उसका सॉल्यूशन चाहते हैं, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपकी हर संभव मदद यहाँ पर कर सकूँ। धन्यवाद।